तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। नाइटेंगल वापस हेडक्वार्टर में आता है जहां पे शिव पहले से बैठा हुआ था। वो कहता बोलो भाई तेरा क्या विचार है लूशू के बारे में, उसने सारे पैसे लौटा दिए। ये कहता नहीं यार उसने सारे पैसे यहाँ पे नहीं लौटाए, थोड़े से पैसे लौटाए लेकिन ठीक है चलेगा। यार वो बंदा पहले से बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पे मुझे लग रहा है। मुझे ये भी आइडिया लग चुका है ना कि वो डबल अवेकर यहाँ पर है, यानी स्पेशली एक दो नहीं बल्कि दो टाइप की एबिलिटी है। सेकंड अवेकिंग उसका ना उसने रिसेंटली यहाँ पे अवे किया है, जीत चके उसकी बहुत ही कभी कभार यूज़ करता है। जब ट्रेन पे था ना उस समय भी उसने वाली अवेकिंग एबिलिटी उसकी थी, लेकिन काउ ने अपनी पावर की मदद से उस छुपा ली थी। जिस चक्कर में उसकी सेकंड एबिलिटी किस चीज की है वो मुझको बिल्कुल भी आइडिया यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। सामने से जो शी है ना मनीमन, वो भी सोचता है जब मैं लूशू से पहली बार मिला था ना बुडौली से जब मैं मिले गया तो उस समय लूशू में मुझे ऐसे कोई खास बात यहाँ पे लगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसको देखते जा रहा हूँ जैसे उसके बारे में मालूम चल रहा है वो बंदा उतना भी सिंपल नहीं है। जब रियूस में जाता है बवाल करता है, उसी की वजह से बुडौली या बुढ़ाऊ चैन वाले के जो फाउंडेशन ठीक हो पाए और दोनों यहाँ पे रैंक एक ऊपर यहाँ पे जा पाए, यानी बंद आगे चल के और कुछ बड़ा कर सकता है। लूशू से कहता बता भाई लेकिन तू खुश है या फिर उससे डिसअपॉइंट है, क्योंकि भाई उसने लिटरली अपने बंदों से पैसा उनका लूट लिया ना। जो सुनते सामने से लूशू कहता है ना खुश ना डिसअपॉइंट, इन शॉर्ट मेरा इंटरेस्ट ना उसमें और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है लूशू के ऊपर। सुबह सुबह का टाइम यहाँ पर बर्गर खाते खाते लूशू सोचता भाई कोई ना कोई तरीका सोच के पैसे कमाने पड़ेंगे। यार पीछे से मोटा भी सोचता यार लूशू तो बेसिकली कुछ ना कुछ दिमाग लगा के पैसे कमा लेता है, यार वो बचपन से ऐसा वैसा ही काम करता है। लेकिन मैं तो बचपन से भाई अमीर बाप की औलाद, यार मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आता, मुझे भी लूशू से ये आदत यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। लूशू के पास जाता हूँ, कहता बिल बेटा क्या करना है। लूशू बोलता क्या करना भाई, पैसे यहाँ पे कमाने कोई ना कोई तरीका हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या सामने से जो बच्चे कुछ पैसे देना उससे बलून बाय कर लेते कि बलून बेचेंगे, बलून बेच के पैसे यहाँ पे कमाएंगे। मोटा को शर्म आ रही थी, लूशू बोलते तुझे शर्म यहाँ पे आ रही है, काम कर शर्म को खा ले, नहीं शर्म नहीं ना खा सकता तो शर्म को भेज और यहाँ पे बलून बेच के पैसे कमा, मतलब बलून बेच। तो आराम से तभी जा रहे थे ना तभी इनको एक मोबाइल दिखा देता है। तो मोटा कहता चलो भाई मोबाइल बेच के पैसे कमाते। लूशू बोलता ना ना भैया काम करते हैं जिसका मोबाइल है उसको दे देंगे, किसी का नहीं है, किसी का कॉल आ रहा है। तो मोबाइल के मालिक कहता जो दूसरे मोबाइल से कर रहा था, लूशू को सीधे गलियाने लग जाता है, माँ बहन की गाली देता है और कहता साले भाई मेरा फोन है GPS वाले भाई आऊंगा तेरे को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो लूशू बलून में मोबाइल को बांधता है उड़ा देता है। मोटा कहता साले भाई तूने तो बलून में उड़ा दिया भाई, वो बलून बेचते तो पैसे कमा पाते ना। लूशू बोलता शट अप, एक एरिया में बैठ के बलून ले लो बलून ले लो बलून ले लो करना चालू कर देता है। तो बाकी पब्लिक भी सेम करती है, वो भी बलून लाती है, वो भी बलून बेचना चालू कर देती है। वो ऐसा कहते कहते 6 घंटा गुजर जाती है और तब जाके इनके सारे बलून बेचते हैं और एंड में इनको काफ़ी लो प्राइस में बेचना पड़ा, इसलिए यार इनका बस 100 युआन का फ़ायदा होता है और कुछ भी नहीं। मोटा कहता बस ये 100 युआन का हुआ, इसमें हमारा क्या होगा। लूशू कहता कुछ भी नहीं भाई, अभी जाके हमें सोना पड़ेगा। चलो उसी फर्नीचर हॉल में जाके हम लोग सो जाते हैं जिसमें कल रात को सोए थे। आई डोंट नो आज भी वो लोग आएंगे या फिर आएंगे। मोटा कहता आज आ जाएंगे, अगर आज 20-25 बंदे को लेकर आ जाएंगे तो क्या करेंगे। लूशू कहता 20-25 को लाएंगे तो भाई 20-25 को मार के उनका भी सारा का सारा पैसा लूट लेंगे। और क्या, जाते रात भर पूरा रात गुजारते और रात गुजार के बाहर आ भी जाते हैं, लिटरली कोई भी यहाँ पे नहीं आया था। तो सामने से मोटा भी कहता यार इस रात को तो कोई नहीं आया, इस रात को तो भाई मैं भी चौंका ना था। लूशू कहता वेल यार हमने सही तरीका ही सॉरी यूज़ किया था, खुद का पैसा लगाया, खुद से बलून बेचा, खुद से पैसा कमाया, हमने नहीं अपनी एबिलिटी यूज़ की थी, नहीं चोरी चकारी यहाँ पे की थी, इसलिए सद नहीं आया। क्योंकि उनका यही कहना भाई प्रॉपर तरीका यूज़ करो, बस गद्दारी मत करो। और तब इनका ध्यान जाता सामने एक बुढ़ाऊ यहाँ पर जो कि अंगूर बेच रहा है और पीछे उसने लिख के लगाया कि जो मेरी बीबी है ना, मेरी बीबी यहाँ पे बीमार है तो मुझे अपने घर पे जाकर उसका ध्यान रखना है, उसके लिए जितना हो सके उतना जल्दी ना अंगूर मुझे बेचना है सस्ते दामों पर, इसलिए प्लीज़ कोई बाय कर लो। तो लूशू को याद आता जब मैं अनाथ आश्रम से गया था उस समय मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो एक बुढ़ाऊ जो अंगूर बेचता था उसने मुझे देखा, उसने मुझे ला के खाने पीने का सामान दिया था। यानी जो अंगूर बेचने वाले लोग हैं ना वो कभी झूठ नहीं बोलते, बुरे तो बिल्कुल भी नहीं होते। यानी ये अंकल भी लूटने के लिए नहीं बल्कि सच्ची में सच बोल रहे हैं, इनकी वाइफ सच्ची में बीमार होगी। उनके पास जाता है पूछता कि बताइए बुढ़ाऊ भाई कैसे अंगूर आप बेच रहे हो। सामने से कहता देखो अंगूर का जो प्राइस यहाँ पर है ना 4.8 युआन यहाँ पर है 1 किलो का, और लेकिन क्या बोलते हैं भाई मेरे को कॉल आया कि भाई मेरी बीबी बीमार है उसका मुझे ध्यान रखने के लिए घर पे जाना है, इसलिए 4.8 से सीधा अपन 2 युआन में बेचने को तैयार है। लूशू यहाँ पे कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार। सामने से जब मैं टेस्ट करके देखूँ एक अंगूर यहाँ पे खाते दोनों, उनको वाकई में काफ़ी टेस्टी लगता है मीठा मीठा अंगूर। सामने से पूछता है आपके पास टोटल कितना है, बुढ़ाऊ कहता 50 किलो है। तो लूशू कहता हमको यहाँ पे बेच दो, उसने बुढ़ाऊ ने 2 युआन कहा था 1 किलो का, लेकिन लूशू ने यहाँ पे 3 युआन दे दिया था, यानी टोटल 50 किलो का उसने 300 यहाँ पे दिया। नहीं, हाँ मुझसे कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ, लेकिन बस उसने ज़्यादा थोड़ा सा दिया था और कहते ओके ठीक है भाई बुढ़ाऊ मैं बेच दूंगा। वो भी कहता शुक्रिया बच्चे भाई, तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे आजकल मिलते कहा है। दोनों आराम से बैठ के बेचने को तैयार थे। मोटा कहता कि भैया यार हमने ले तो लिया लेकिन यार अंगूर है यार फल है, ज़्यादा समय ले ठीक है नहीं, अगर कल तक हमने नहीं ना बेचा पूरा का पूरा सड़ जाएगा। लूशू बोलता डोंट वरी बेच देंगे यार। मोटा कहता मुझे भी भूख लगी है थोड़ा सा खा लूँ क्या। लूशू बोलता नहीं इसे बेच के पैसे यहाँ पे कमा
कमाने, प्रॉफिट यहाँ पे करना है, ना कि यहाँ पे ये करना है बेचना है, समझ गया। लूश मोटा भी कहता है अरे यार मैं क्या करूँ। एक बुढ़िया आती है, वो कहती है भाई कितने में दिया अंगूर। लूशू कहता है 4.81 में 1 किलो। बुढ़िया कहती है टेस्ट कर सकती हूँ। लूशू कहता है कर लो। सामने से अंगूर खाती है, कहती है नॉट बट बढ़िया है, बाद में आऊंगी, इतना बोल के निकल जाती है। दोनों का मूड डाउन किया, अरे यार ये तो टेस्ट करके निकल गई, ली भी नहीं। एक और बुढ़िया आती है और कहती है केवल कैसे दिया अंगूर। लूशू कहता है 4.81। वो कहती है टेस्ट करके देखो। लूशू कहता नहीं। बुढ़िया कहती है यार लेकिन फिर यार कैसे मैं बताऊंगी कि अंगूर अच्छे है कि नहीं, अच्छा लगे तभी ना लूंगा। लूशू सामने से एक अंगूर खाता है और कहता है भाई मेरा एक्सप्रेशन देख के पता लगा लो अच्छा या फिर बुरा है। बुढ़िया भी कहती बदतमीज बच्चे भाई, आजकल के बच्चे लोग आई डोंट नो क्या हो गया है, मेनू लेना ही नहीं है, इतना बोल के निकल जाती है। मोटा भी कहता है यार लूशू अगर ऐसे चलता रहा ना यार सारे अंगूर सड़ जाएंगे और एक भी यहाँ पे बिकेगा नहीं। उतने में एक लड़की आती है जिसका नाम यहाँ पे डूली था, जो कि अपना मोटा था ना भाई, मोटे की क्रश थी प्लस उसी क्लासमेट यहाँ पे थी। मोटे को देखते हुए कहती है अरे मोटे चेंज वर तू अंगूर यहाँ पे बेच रहे हैं। और तेरे साथ ये लड़का कौन है? लूशू सामने से कहता अच्छा मेरे बारे में पूछियो, मेरा नाम यहाँ पे लूशू है। लूशू में लू का मतलब होता है कि लू, और शू का मतलब अरे बड़ा गंदा होता है, समझा नहीं सकता। सामने से मोटा भी सोचता है क्या मतलब मेरी क्रश के सामने ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पे किए जा रहे हैं, यार लोग सही बोलते, दोस्त का मीना मेरी इज्जत डुबा रहा है। तो मोटे भी शर्माते पूछते कि अरे अरे मेरी जान यार मेरी दोस्त आई मीन शॉमी डू शॉमी उसका नाम था एग्जैक्टली, कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मनी मन सोचते हैं मेरी क्रश को यहाँ पे अभी आना जरूरी था क्या? सामने सो के कुछ भी नहीं, दादी अम्मा या बोली कि भाई हमारे घर के बारे में यार कोई अंगूर यहाँ पे बेच रहा है, मैंने बोला भाई टेस्ट करवा दो, सालों ने मना कर दिया, बड़े बदतमीज बच्चे थे तो मैं भी चेक कर आई और तू वो बदतमीज बच्चा ना। लूशू भी सोचते क्या वो जो बुढ़िया यहाँ पर आई थी वो इसकी दादी अम्मा थी, यार यार मैं तो इसको पसंद करता था, शादी करना चाहता था, यानी मेरी भाई यहाँ पे बड़ी सास वो यहाँ पे होने वाली रहेगी। बाई चांस ऐसा हुआ हम लोग इसे घर पे गए तो बड़ी सासू माँ देखेगी, बोली कि भाई ये कमीना मोटा साला अंगूर भी टेस्ट करने देता नहीं है, ये हमारे घर का दामाद भी बन सकता है। अरे यार शादी होने से पहले मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। सामने से वो कहती सुन भाई मैं अंगूर बेचने में तुम्हारी मदद यहाँ पे कर देती हूँ, वरना तुम लोग अगर बेचोगे ना यार तो कोई बेचेगा ही नहीं, पूरा सड़ जाएगा, मीन कोई खरीदेगा ही नहीं। तो लूशू कहता अच्छा बेच दो। सामने से मोटा कहता नहीं 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 तुमको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। हल्के से कहता तुझे मालूम है भाई ये कितनी अमीर यहाँ पर है, बहुत ही अमीर है, और तू इस अंगूर यहाँ पे बेचवाएगा, तुझे शर्म नहीं आती? लूशू कहता यार तू पसंद करता ना उसे, पसंद करता ना आई नो, या तो मैं यहां से निकल जाऊंगा, तुम दोनों बैठ कर आराम से अंगूर बेचना, हो सकता है तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप और भी क्लोज हो जाए। मोटा भी कहता है अरे यार पहले बताना चाहिए था ना, अच्छा तू निकल हम दोनों बेच। इसके बाद जो लूशू है चेंग के पास जाता है, चेंग कोई अपना छोटा मोटा कोई काम कर रहा था तो उसके पास जाते कहते हाय कैसे हो। मनी मन सोचता भाई मैं पता लगाता हूं इन्होंने कौन सा तरीका पैसा कमाने का पता किया है, तो मैं उस हिसाब से कोई ना कोई ट्राई मारूंगा। चेंग भी कहता लूशू हाय कैसा भाई क्या तेरी हालत है यार भाई, अरे क्या करे भाई जिंदगी पे। सामने से लूशू कहता कि बल क्या हुआ यार, तो हैवरी डे कोई बंदा आया था ये बताता, हाँ 5 बंदे आते साला हमारा बन चोरी करके निकल चले गए। लूशू कहता बन मोमो। सामने से वो कहता हाँ यार एक आंटी यहाँ पे थी, उनको लगा कि भाई हमारी नसीब कितनी खराब है इसलिए उन्हें फ्री में बचे कुछ दे दिए थे, हम खा रहे थे साले और निकल के चले गए। तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ? लूशू कहता हाँ हमारे साथ भी कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ। मनी मन सोचता यार मैंने उल्टा उनसे यहाँ पे चोरी कर लिया था, हमारे साथ कोई ऐसा कर दे किसके बाप में इतना दम है। फिर सामने से वो बताता कि बल हम जो भी थे भाई सबका ईगो बहुत था कि भाई ये काम नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगे, लेकिन अब सबने अपने ईगो छोड़ दिया, जो भी काम अभी उनको मिला पेट पालने के लिए वो लोग अपना अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लूशू जैसा सुनता कि हाँ भाई ईगो अपना ईगो यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यानी बढ़िया यार सामने से तुम्हारा जीनियर से तुम्हारे अंदर ईगो एटीट्यूड आ जाता है उससे निकाल दो तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लूशू कहता हाँ भाई ईगो कभी आने मत देना, समझ गए ना? वो भी कहता यार। फिर लूशू अलग हो जाता है, अब मनी मन कन्फर्म हो जाता है कि भाई जो भी काम करके तुम जो पैसे कमाओगे ना मेहनत से कमाओगे तब तुम यहाँ पे रख पाओगे, कोई तुम्हें फ्री में देगा या फिर तुम यहाँ पे बुरा काम करोगे एबिलिटी यूज करोगे वो हेवनली डगाएंगे तो उनसे पैसे लेके चल जाएंगे, यानी मैं कोई अभी बुरा काम करने वालों इनलीगल काम जिससे हेवनली डगाओं को वापस बुलाऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और कल के एपिसोड जो आएंगे ना सच्ची में मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।